हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं धनराज सर और आज एमपी का हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, देखते हैं भाई। नदियों के किनारे जो प्रमुख नगर होते हैं तो इससे संबंधित भी क्वेश्चन जो है वो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सा शहर किस नदी के किनारे है, तो इजीली जो है वो अपन कर लेते हैं। अमरकंटक की बात करें तो अमरकंटक जो है ये बहुत प्रसिद्ध है और नर्मदा नदी जो है वो यहीं से निकलती है, तो अमरकंटक जो है ये आपका हो जाएगा नर्मदा नदी। अब अमरकंटक नर्मदा नदी है तो थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन भी है, आप लोग बोलोगे कैसे कि नर्मदा नदी तो यहां से निकलती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमरकंटक एक ऐसी जगह है जहां से तीन नदियां जो है वो एक साथ निकलती है, नर्मदा, सेकेंड सोन नदी और तीसरी जोहिला। तो जोहिला नदी के बारे में अक्सर एग्जाम में जो है वो पूछा जाता है कि जोहिला नदी जो है वो कहां से निकलती है, तो मैं आपको लिख के यहां पर बता देता हूं भाई, एक तो सोन और दूसरी जो है वो जोहिला, तो ये जो नदियां हैं ये भी अमरकंटक से निकलती है, लेकिन तीनों जो है वो अपनी अपनी दिशाओं में चली जाती है। तो अमरकंटक मेन जो है अमरकंटक नर्मदा नदी के किनारे है। जबलपुर की बात करें हम तो ये भी आपका नर्मदा नदी, नरसिंहपुर की बात करें तो नर्मदा, होशंगाबाद आपका नर्मदा, हंडिया और नेमावर नर्मदा, हंडिया आपका जो है वो सतपुड़ा श्रेणी में है और नेमावर जो है आपका विंध्याचल श्रेणी में है, इसको ध्यान रखें आप। तब ये दोनों जो है नेमावर उस पार है तो हंडिया इस पार है। ओंकारेश्वर नर्मदा, महेश्वर नर्मदा, जैसे यहां पर जो है ओंकारेश्वर और महेश्वर, तो ओंकारेश्वर जो है वो खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है और महेश्वर आपका खरगोन डिस्ट्रिक्ट में है। इसी प्रकार से हंडिया आपका जो है वो हरदा जिला में है और नेमावर जो है वो आपका देवास जिले में है। बड़वाहा बड़वानी नर्मदा, मंडला नर्मदा, अमरकंटक आपका नर्मदा, जबलपुर नर्मदा, नरसिंहपुर नर्मदा, होशंगाबाद नर्मदा, हंडिया नेमावर नर्मदा, ओंकारेश्वर नर्मदा, महेश्वर नर्मदा, बड़वाहा बड़वानी नर्मदा, मंडला आपका ये भी नर्मदा नदी के किनारे है। उनासा यहां पर बहुत बड़ा डैम बना हुआ है तो ये नर्मदा नदी, इंदिरा गांधी सागर बांध जो है ये इसी का नाम है उनासा। शिवपुर आपका जो है वो चंबल नदी जो है महू के पास जानापाव पहाड़ी जो है वहां से निकलती है, तो इसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे जब नदियों का चैप्टर आएगा। महू चंबल यहीं से निकलती है। रतलाम आपका चंबल। मंदसौर की बात यदि हम करें तो मंदसौर जो है वो सिवना नदी के किनारे पर बसा हुआ है, सिवना। साजापुर पार्वती नदी, राजगढ़ पार्वती, आष्टा पार्वती, तो पुनासा आपका नर्मदा, शिवपुर आपका चंबल नदी, महू चंबल, रतलाम चंबल, मंदसौर सिवना, साजापुर पार्वती, राजगढ़ पार्वती, आष्टा पार्वती। ठीक है, इसके बाद जो नए शहर है अपन इसके बाद जो है वो देखते हैं। ठीक है, देखते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि भाई सांची जो है, सांची किस नदी के किनारे पर जो है वो स्थित है, तो सांची की बात करें अपन तो सांची जो है वो बेतवा नदी, बेतवा के किनारे पर जो है वो स्थित है। इसी प्रकार से विदिशा आपका ये भी बेतवा हो जाएगा, ओरछा ये भी बेतवा नदी है, गुना की बात करें तो ये भी बेतवा, ठीक है। पचमढ़ी और तवा नगर ये जो है ये तवा नदी, ये भी आपका तवा नदी में जाएगा।
है ना। तो सांची आपका हो गया बेतवा, विदिशा आपका बेतवा, ओरछा बेतवा, गुना बेतवा, पचमढ़ी तवा और तवा नगर ये भी तवा नदी। मुलताई, मुलताई जो है वो ताप्ती नदी, और बुरहानपुर भी जो है वो ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, शिवपुरी की बात करें तो शिवपुरी जो है वो आपका सिंध, सिंध नदी। दतिया आपका ये भी सिंध नदी। देवास की बात करें तो देवास जो है ये काली सिंध। ठीक है, सोनकच्छ ये भी आपका काली सिंध हो जाएगा। बालाघाट आपका बेनगंगा नदी, बेनगंगा। और रीवा आपका बिछिया नदी, बिछिया नदी, बिछिया नदी, बिछिया नदी आपका जो है वो रीवा हो जाएगा। ब्यावरा पार्वती नदी। इंदौर, इंदौर जो है बहुत प्रसिद्ध है खान नदी, खान नदी। उज्जैन आपका छिपरा नदी, छिपरा नदी। फिर से अपन देखें, शिवपुरी आपका जो है वो सिंध, दतिया आपका सिंध नदी, देवास काली सिंध, सोनकच्छ ये भी काली सिंध, बालाघाट जो है आपका बेनगंगा नदी के किनारे पर है, रीवा ये बिछिया नदी है आपका, ब्यावरा पार्वती नदी, इंदौर खान नदी, उज्जैन आपका जो है वो छिपरा नदी। इसके बाद अगला जो है, इसके बाद अगला जो है आपका यहां पर मुरैना। तो ये जो है ये चंबल नदी, और सारंगपुर काली सिंध, और चित्रकूट। सबसे ज्यादा जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि चित्रकूट जो है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो ये है मंदाकिनी नदी के किनारे, मंदाकिनी नदी। आप याद रखें उसको, चित्रकूट जो है मंदाकिनी नदी के किनारे पर स्थित है। तो इस प्रकार से जो है हम इसको क्लियर कर सकते हैं। भाई सांची आपका बेतवा नदी, विदिशा आपका बेतवा नदी हो जाएगा, ओरछा ये भी बेतवा नदी, गुना बेतवा, पचमढ़ी आपका तवा नदी, तवा नगर आपका तवा नदी, मुलताई ताप्ती नदी, बुरहानपुर आपका ताप्ती नदी, शिवपुरी सिंध, दतिया आपका सिंध नदी किनारे, देवास आपका काली सिंध, और सोनकच्छ काली सिंध। बालाघाट की बात करें तो बेनगंगा नदी किनारे पर, रीवा बिछिया नदी आपका, ब्यावरा पार्वती नदी, इंदौर खान नदी, उज्जैन आपका छिपरा नदी, उज्जैन जो है वो छिपरा नदी किनारे पर स्थित है। मुरैना आपका जो है वो चंबल नदी, सारंगपुर आपका काली सिंध नदी किनारे पर है, और चित्रकूट जो है आपका मंदाकिनी नदी के किनारे पर स्थित है। तो इस तरीके से जो है हम नदियों के किनारे जो शहर स्थित है उनके बारे में बहुत आसानी से जो है उसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।